चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3। 3.3 में स्टार्ट करने के पहले उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है थ्योरम से पहले उसे देखेंगे। सो दैट इज वी हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। तो पहले यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम एंड द सेकंड वन विल सी कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो यू मस्ट बी नोइंग ऑल्सो व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हुज two sides are same, any two sides are equal, then it is called isosceles triangle. So we know on the basis of side there are three types of triangle, है ना? Isosceles, equilateral and scalene triangle. The equilateral triangle is what? All three sides are equal. In scalene triangle, all three sides are not equal, unequal you can say. So here we have to understand the property of isosceles triangle. So we'll draw a triangle. Let us give the name ABC, ठीक है? चलिए isosceles में क्या होगा देखिए, if question में आपको दिया रहेगा, theorem से भी हम नहीं कर रहे, the property we are going to use, तो उसमें क्या होगा देखिए, आपको two sides will be given equal, right? यहाँ पे two sides आपको same दिए रहेंगे, suppose AB and AC are same, 6 cm, this is also 6 cm, वहाँ पे measurement दिए रहेंगे या यहाँ पे identical marks indicate करेंगे। So in triangle ABC, side AB is congruent to side AC, then we can say क्या बोलेंगे यहाँ पे, then angle B is congruent to angle C, right? तो इसे हम यहाँ पे बोलेंगे इस property को जो हमने use किया, side congruent, so opposite angles also congruent, right? So this is called by isosceles triangle theorem. इसे क्या बोलेंगे हम लोग, by isosceles triangle theorem. मैंने यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा, but you have to copy like this. Okay? चलिए. Suppose this angle B is given 60 degree and you have to find out angle C. So what you'll do? तो यहाँ पे आप लिखोगे, for example, but angle B equals to 60 degree. Therefore, क्या लिखेंगे हम लोग, angle C, we'll write here angle C equals to 60 degree. तो ऐसे यहाँ पे दिया रहेगा, two sides are equal, आपको याद रखना two sides are equal, their opposite angles also equal. AC का opposite angle B है और side AB का opposite angle C है, right? So both are equal. Now converse में क्या दे रहेगा, converse में आपको triangle ABC will be there. चलिए नेम ले लेते हैं यहाँ पे, एबीसी की जगह पीक्यूआर भी हो सकता है, बट इन दिस केस में क्या होगा, एंगल सेम होगा, एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, राइट? सपोज ये 60 है तो ये भी 60 होगा. सो इफ में क्या होगा, गिवन में क्या रहेगा, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल का नाम होगा इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, देन व्हाट वी कैन राइट, so we can say side AB congruent to side AC, side AB congruent to side AC. ऐसा क्यों होगा? Because कोई भी triangle में अगर opposite angles two angles are congruent, their opposite sides are also congruent. So it is यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं by reason इसका ये रहेगा by converse of isosceles ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है? इसे बोलेंगे बाय कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. सपोज यहाँ पे ए बी आपको 6 दिया है, तो व्हाट अबाउट ए सी, ए सी भी 6 हो जाएगा. सो यू कैन राइट हियर, बट यहाँ पे लिखो पहले एग्जांपल, ठीक है? फॉर एग्जांपल ए बी इज 6 cm, बट ए बी इज 6 cm, देन ए सी ऑल्सो इक्वल्स टू 6 cm, एसी भी आपका क्या हो जाएगा, 6 cm होगा. तो यहाँ पे हमने दो थ्योरम्स देखे, वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेकंड वन इज अ कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये आपके टेक्स्ट बुक में पूरा थ्योरम भी दिया हुआ, हाउ वी गॉट दिस रिजल्ट, पर यहाँ पे हम रिजल्ट नहीं ले रहे, हम जस्ट इसके थ्योरम्स के प्रॉपर्टीज को, गिवन और प्रूफ को हम देख रहे जो हम सम्स में यूज करने वाले, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको यूज होंगे. सो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट थ्योरम. ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, थर्ड वन, 30, 60, 90,
डिग्री ट्राइंगल एंड द फोर्थ वन यहाँ पे 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल थ्योरम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरम को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना होगा बिकॉज देयर इज वन एंगल इज 90 डिग्री। सो लेट दिस ए बी सी योर ट्राइंगल वेयर बी इज 90 डिग्री राइट। चलिए इसे हम 30 ले लेते हैं, सी 30 डिग्री और ए को ले लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री। ओके सो क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, इफ इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल ए हो गया आपका 60 डिग्री राइट, एंगल बी हो गया आपका 90 डिग्री और एंगल सी क्या दिया रहेगा आपको 30 डिग्री। कभी कभी देखिए आपको 30 नहीं दिया रहेगा, 30 इज नॉट गिवन, तो आपको क्या करना है कि 90 है 60 है तो ये कितना हो जाएगा 180 में इसको ऐड करके माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो टेंशन नहीं होना चाहिए, कभी 60 नहीं दिया रहेगा, अगर 30 और ये 90 है तो ये 60 आ जाएगा, तो ये भी देखना। अदरवाइज आप सोचेंगे 90 90 30 60 तीनों दिखनी चाहिए, तो दो भी दिखा तो थोड़ा अपने आप समझ में आ जाएगा। सो इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए 60 एंगल बी 90 एंगल सी 30 डिग्री राइट। सो वी कैन से देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल, ये कैसा है 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। देन अब यहां पे फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका, देन यू कैन राइट फर्स्ट वन क्या लिखोगे आप, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये जरा ध्यान से देखिए क्योंकि आपको स्टैंडर्ड 10th में ऑफिस से मिलने वाला है, सेम 30 60 90 45 45 90, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री क्या हो जाएगा हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज, ठीक है हाफ इनटू हाइपोटेन्यूज। चलिए अब साइड अपोजिट 30 डिग्री डायग्राम में देखते हैं कि 30 डिग्री बन रहा है, ये दो आर्म से एंगल बना, ये हो गया उसका अपोज साइड, क्या है यहाँ पे ए बी, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री के प्लेस पे क्या लिखेंगे आप ए बी, देन वन अपॉन टू हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, देखिए ए सी इज द हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट साइड, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी, ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्मूला। अगर मान लो ये आपको 12 सेंटीमीटर दिया होता राइट, तो ए बी कितना मिलता, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते थे ए बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इनटू 12, ये कट के 6 मतलब 6 सेंटीमीटर आ जाता है, आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना रहेगा। सेकंड क्या होगा, देखिए सेकंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या हो जाएगा, देखिए रूट 3 अपॉन 2 इनटू हाइपोटेन्यूज राइट, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री क्या है, देखिए 60 का अपोजिट साइड क्या है BC, तो हो जाएगा BC इक्वल्स टू रूट 3 अपॉन 2 इनटू हाइपोटेन्यूज के यहाँ पे AC, ये देखिए BC का फॉर्मूला बन गया, ये यहाँ पे देखिए ये AB का फॉर्मूला हो गया, मतलब साइड अपोजिट 30 डिग्री और साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो ए 30 का याद रखना हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज और 60 का याद रखना रूट 3 अपॉन 2 इंटू हाइपोटेन्यूज। अगर इसको सॉल्व करना रहता तो यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे होता था, देखिए BC इक्वल्स टू मिलता आपको रूट 3 अपॉन 2 इंटू हाइपोटेन्यूज इज गिवन 12, ये 2 6 12 6 root 3 cm. ए बी जगह आप 6 रखोगे 1 अपॉन 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 जा 12, ठीक है तो हाइपोटेन्यूज आपको 12 मिल जाएगा, 12 मिल गया तो 60 का अपोज साइड रूट 3 अपॉन 2 इनटू हाइपोटेन्यूज, ऐसे भी फाइंड आउट करना है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नोट्स देखते हैं, थ्योरम 45 45 90 डिग्री ट्राइंगल, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, चलिए ए बी सी आपका हो गया रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्राइंगल वेयर बी इज 90 डिग्री और यहाँ पे दो एंगल आपका 45 हो जाएगा, अगर ये 90 और ये 45 है तो आपको पता है रिमेनिंग में ये भी 45 हो जाएगा। सो वी नो कर्नोस ऑफ एसोसिएटेड ट्राइंगल थ्योरम में देखा इफ टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इट मींस देयर अपोजिट साइड आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो 45 45 डिग्री में क्या होगा
इफ टू एंगल्स विल बी 45 45, देयर अपोजिट आल्सो विल बी इक्वल. सो हम बोल सकते हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इट इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, राइट. सो विल राइट हियर, यहां पे गिवन में क्या रहेगा आपका, इफ में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी लिखेंगे, वेयर एंगल ए 45 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री एंड एंगल सी विल बी आल्सो 45 डिग्री. सो वी कैन से ट्रायंगल एबीसी इज 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल. देन हम लोग यहां पे क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए यहां पे साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या लिखेंगे, यहां पे साइड अपोजिट टू, राइट, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या हो जाएगा यहां पे, 1 अपॉन रूट 2 इनटू हाइपोटेन्यूस, राइट. चलिए अब देखते हैं साइड अपोजिट टू 45 क्या है. अब यहां पे डाउट आ जाएगा, सर व्हिच 45 यू आर टॉकिंग, ये 45 की बात कर रहे हैं कि इस 45 की बात करें, कोई भी बात करेंगे, अगर ए बी होगा, इसका ए बी है तो इसका क्या होगा बी सी, एंड वी नो बोथ आर सेम, तो दोनों का वैल्यू सेम आने वाला है. सो विल राइट हियर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू, ये देखिए साइड अपोजिट टू 45 हियर आर टू ऑप्शंस ए बी एंड बी सी बिकॉज बोथ आर सेम. सो 1 अपॉन 2 लिखेंगे, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 एंड हाइपोटेन्यूस क्या यहां पे ए सी, ये हो गया आपका, ठीक है. सपोज आपको दिया है इसकी वैल्यू है आपको 5 रूट 2, हाइपोटेन्यूस इज गिवन कि आपका हाइपो होगा 90 के सामने का साइड, राइट, व्हिच इज गिवन 5 रूट 2, देन फाइंड आउट ए बी एंड बी सी. सो यू कैन राइट द एग्जांपल, अब यहां पे एग्जांपल ले लेंगे व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू टू सॉल्व द सम्स, राइट. सो ए बी एंड बी सी बोथ आर गोइंग टू सेम 1 अपॉन रूट 2 इन 2, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूस गिवन 5 रूट 2, ये देखिए रूट 2 कैंसिल, देन यू राइट 5, ये सेंटीमीटर में है सो यू कैन राइट 5 सेंटीमीटर. सो ए बी इक्वल्स टू बी सी क्या मिला यहाँ पे आपको 5 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका इस तरह का वैल्यू, ठीक है. तो टेक्स्टुअल क्वेश्चन में तो मोस्टली ऐसे नहीं है, बट ये आपको हो सकता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन में या चैलेंजिंग क्वेश्चन में पूछे, तो आपको ये लर्न करना जरूरी है, आना जरूरी है, बिकॉज ये 10th में भी इम्पोर्टेंट है, ठीक. चलिए देखते अगला नोट्स हम. हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, 5th वन. व्हाट इज गिवन हियर, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल. तो यहाँ पे देखेंगे कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है एंड क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, मींस रिलेशन क्या है मीडियंस का आपस में, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये सपोज आपका एक ट्रायंगल हो गया, वी कैन गिव द नेम एज ए बी सी. तो मीडियन कैसे होता है, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, बी सी जो साइड दी है बेस, उसका मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा. सपोज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिड पॉइंट, पी यहाँ पे क्या है मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट का मीनिंग होता है सेगमेंट जो बी सी है, मींस साइड जो बी सी है इक्वली डिवाइड होगा, मींस द बी पी विल बी इक्वल्स टू पी सी, ये दोनों इक्वली हो गया, इक्वल लेंथ हो गया, राइट. पी ने बी सी को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब होता है मिड पॉइंट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, the midpoint we have to join the this opposite vertex, जो BC का opposite vertex A है उसे हमें join करना है. तो जब इसे join करेंगे, देखिए इसे, right? ये जो segment दिखा AP, AP जो यहाँ पे segment बना, it's called together median. ये हो गया आपका median. क्या बोलेंगे इसको? Median. Okay? Median को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं. A segment joining vertex and the midpoint of the side opposite to vertex is called median. Okay? So, यहाँ पे देखिए कितने medians हो सकते हैं. मैंने क्या किया? BC को base समझ के इस पे midpoint लिया P और उसके opposite vertex A से join किया. We got the AP as a median. अगर मैं AB पे point Q as a midpoint लेता, मतलब Q क्या करता है? AB को divide करता. तो जो AB का opposite vertex क्या दिख रहा है? C. तो इससे अगर मैं join करूँगा, देखिए C को. राइट, सो QC इज अनदर मीडियन, QC भी क्या बन गया? एक और मीडियन बन गया. सेम वे अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, AC का मिड पॉइंट R ले लूं और मैं उसे B से जॉइन करूं, राइट, इसके मिड पॉइंट को मैं
बी से अपोजिट वर्टेक्स एसी का बी है उसे अगर ज्वाइन करेंगे तो बी आर इज द मीडियन। तो यहाँ पे मीडियन क्या बन गया देखिए, एपी थाई बी आर भी हो गया और बी सॉरी क्यू सी भी मीडियंस हो गया। सो वी कैन से देर आर थ्री मीडियंस एंड जस्ट ऑब्जर्व व्हाट यू आर गेटिंग, ऑल थ्री मीडियंस आर पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट। आप स्केल यूज करके ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट आपको यहाँ पे एक पॉइंट से वो पास होके जाएंगे। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लेटर जी से दिखाते हैं, राइट, ये जी से। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, क्या बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, एंड द जी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। दिस पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेंट्रॉइड, हम इसे क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी। ये जी आपको क्या दिखाएगा, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। आप सेंट्रॉइड में देखना है, देखिए जो एपी आपका मीडियन था बट सेंट्रॉइड जो जी है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर रहा, राइट। सभी मीडियन को देखिए, एपी को अगर देखेंगे तो एजी एंड जीपी हो गया, इफ यू लुक एट क्यूसी तो क्यूजी एंड जीसी, इफ यू लुक एट बीआर बीजी एंड जीआर। सो ईच मीडियन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अब वो टू पार्ट कैसे है, अब देखिए मैं क्या करता हूं यहां पे बाकी मीडियंस को मैं यहां से निकाल रहा हूं। ये देखिए आपको डायग्राम में ऐसे भी दे रहेगा, चुनने की ऑल मीडियंस विल बी गिवन टू यू, एक मीडियन भी दे देगा। तो आपको ये समझना है कि एजी एपी इज द मीडियन वेयर जी विल बी दिस पॉइंट, क्या हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड हो जाएगा, जी हो जाएगा आपका सेंट्रॉइड। तो ये क्या करता है, एपी को जो पॉइंट जी सेंट्रॉइड टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और वो कैसे रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2। अगर ये 1 सेंटीमीटर आएगा तो ये आपका ये 2 सेंटीमीटर आएगा, मतलब एजी विल बी डबल ऑफ जीपी। इसे आप चाहिए तो हम स्केल से भी या डिवाइडर से भी चेक कर सकते। देखिए ये अगर ये इतना है, राइट, सपोज ये समोज आपका इतना पार्ट है, ये देखिए ये मैं यहाँ पे पॉइंट लेने इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ये इतना है। चलिए इसको मेजर करते हैं, ये देखिए इतना आ रहा है, ये इतना यहाँ से यहाँ तक, इसे भी अगर हम ड्रॉ करें तो ये ऐसे हो जाए। अब देखिए ये आपका इतना था, राइट, तो ये इतना यहाँ पे है और इतना यहाँ पे आ रहा है, देखिए हो रहा है ना, ये आपका जीपी जीपी पार्ट, राइट। तो यहाँ पे ये जीपी हो गया, ये पूरा आपका क्या हो गया एपी मीडियन लेंथ सॉरी एजी, ये आपका एजी हो गया। तो एजी दिस पोर्शन इज दिस पार्ट, एजी इज डबल ऑफ जीपी, ये है आपका जीपी पार्ट, ये है आपका एजी पार्ट, राइट, सी है ये आपका जीपी है और ये आपका एजी। देखिए तो जो ये जीपी है इतना मिला और इतना मिला, मतलब इसका ये डबल हो रहा है, ये रेशियो होगा 1:2 और 2:1, आप कैसे बोल सकते हैं, राइट। तो ये अगर हम लिखेंगे AG:GP तो ये हो जाएगा 2:1, अगर आप लिखेंगे GP:AG तो दिस कैन बी रिटन एज 1:2, राइट। तो ये आपका यहाँ पे हमें मीडियन की प्रॉपर्टी मिल गई, राइट, कि सेंट्रोइड क्या कर रहा है मीडियन को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंड द रेशियो इज 1:2 और 2:1। चलिए इससे हम लोग कुछ रिलेटेड फॉर्मुला डिराइव कर लेते हैं। सो वन रिलेशन वी गॉट इट लाइक AG विल बी ट्वाइस ऑफ GP, मतलब GP का 2 times है। तो फर्स्ट वन मिला, अगर AG मुझे निकालना है तो मुझे GP पता होना चाहिए तो मैं फाइंड आउट कर लूंगा, राइट। सेकंड, अगर मुझे GP बट फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। सो GP विल बी, ये 2 इधर डिवाइड किया तो क्या जाएगा AG upon 2 या इट कैन बी रिटन एज हाफ AG, कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहेगा, मतलब ये 1/2 करके हम थोड़ा बाहर लेंगे, सो हाफ इंटू AG, तो सेकंड हो गया। थर्ड वन, ये किस फॉर्म में हो, अगर AG और GP दिए हैं सो यू कैन फाइंड आउट AG, अगर GP दिया तो AG फाइंड आउट कर लेंगे, इफ AG इज गिवन यू कैन फाइंड आउट GP, बट आपको अगर AP दिया हुआ है, AP सपोज आपको यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट, और आप बोले AG फाइंड आउट करो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, देखिए AP यहाँ पे अगर आप देखते हैं AP क्या हो जाएगा, AP = AG + GP, करेक्ट, योर AP इज AG + GP,
चलिए एपी लिखते हैं, एजी, योर एजी इज व्हाट, देखिए एजी यहाँ पे क्या मिला, 2 GPA, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 GPA और प्लस ये जीपी, ये कहाँ से लिया हम लोग ने, सपोज 0.1 से ले लिया, तो एपी क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 GPA, 2 GPA 1 GPA कितना हो जाएगा 3 GPA, तो एपी अगर आपको जीपी दिया हुआ है, सपोज जीपी इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट एपी, तो 3 × GPA, एक आपका ये हो गया थर्ड वन, राइट। अगर आपको एपी फाइंड आउट करना है और जीपी इज गिवन, सो 3 × GPA, चलिए ये थर्ड वन मेन है ये यहाँ पे, राइट। देन फोर्थ वन क्या हो जाएगा, जीपी अगर फाइंड आउट करना है, जीपी क्या हो जाएगा, 3 इसको डिवाइड करेगा, मतलब 1/3 ऑफ एपी, ये आपको याद है, राइट। चलिए फिफ्थ वन और क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए अगर मुझे एजी के फॉर्म में लाना है तो क्या होगा यहाँ पे, सी हियर अगेन विल टेक दिस वन, चलिए यहाँ पे अलग से निकालते हैं, राइट। चलिए एपी क्या हो जाएगा, एपी इज ए जी प्लस जीपी, राइट, एपी इज ए जी प्लस जीपी, बट वी वांट आंसर इन द फॉर्म ऑफ ए जी, तो जीपी के प्लस जीपी की वैल्यू क्या, जीपी देखिए जीपी इज ए जी अपॉन 2, तो यहाँ पे लिखेंगे एपी इक्वल्स टू ए जी, जीपी विल बी रिप्लेस विद ए जी बाय 2, राइट, ए जी बाय 2। अब यहाँ पे देखिए 2 है, सो इसे रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 × AP प्लस 2 × AG प्लस 2 × AG अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 2 AP इक्वल्स टू ये 2 AG और AG 3 AG हो जाएगा, करेक्ट, राइट। अगर मुझे AP चाहिए AG फॉर्म में, तो ये इधर हो जाएगा, एपी हो जाएगा आपका 3/2 AG, करेक्ट, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एपी हो गया आपका 3/2 AG 6/1। अगर मुझे एजी फाइंड आउट कर रहा है एजी, तो क्या हो जाएगा ये 2/3 AP इक्वल्स टू एजी, सो वी कैन राइट हियर एजी इक्वल्स टू 2/3 AP, ठीक है। सो दीज आर दी सम स्टेप्स जिससे आपको समझ में आया कि ये हमने कैसे निकाला, बट आपको मेन क्या याद रखना है, देखिए ये 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5th and 6, और ये देखिए कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं कि आपको पूरे पूरे बाहर रखने, जस्ट यू रिमेम्बर द रिलेशन आपको याद रहेगा, बस ये रेशियो अगर याद है तो भी हम लोग इससे भी कर सकते हैं, ये कैसे है कई क्वेश्चन हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे दिया है तो यहाँ पे खाली ये याद रखना है, देखिए इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इसे कॉमन मल्टीपल भी लेके सॉल्व करेंगे, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो एजी हो जाएगा 2x और जीपी हो जाएगा 1x, ऐड कर लेंगे तो 3x टोटल, दिस वे आल्सो वी कैन सॉल्व, राइट। अब यहाँ पे देखिए आप अगर एपी फाइंड आउट करना है, एपी पूरा एपी, तो क्या होगा, और एजी आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो एजी कितना पार्ट है, 2 पार्ट होता है, देखिए तो 2 पार्ट का 3 पार्ट एपी आपको निकालना है, 3/2 AG हो जाएगा यहाँ पे, और एजी फाइंड आउट करना है तो 2/3 AP, राइट, एपी यहाँ पे है, अगर एपी यहाँ पे है तो थर्ड पार्ट, देखिए टोटल 3 हो रहा है ना, एपी 3 हो रहा है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, एजी अगर यहाँ पे है तो एजी कितना पार्ट है, 2 पार्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना। अगर जीपी निकालना है यहाँ पे, देखिए जीपी और एजी जो होगा वो यहाँ होगा, ये वाला पार्ट यहाँ होगा, ये देखिए यहाँ पे होगा और ये वाला यहाँ होगा, ऐसे जीपी निकालना है, जीपी जीपी इज 1 पार्ट, ये देखिए यहाँ करेगा, और एपी मतलब ये 3 पार्ट, सेम ऐसे यहाँ पे एपी 3 टाइम ऑफ जीपी, एपी 3 टाइम ऑफ जीपी, 3 टाइम्स करेंगे तो जीपी के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो आप इस तरह से फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, अगर याद नहीं 2 बेसिक रेशियो अगर आपको यहाँ पे याद हो गया, ठीक है, उससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्राई कर दीजिए कि ये भी आपको समझ में आए, तो अगले कहीं भी क्वेश्चन कहीं पूछा तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ओके। चलिए लास्ट इंपॉर्टेंट नोट्स देखते हैं, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन ड्रॉन ऑन द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यू कैन सी हियर ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, वेयर यू कैन से B इज 90 डिग्री, और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बोला है मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज, सो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे AC है, तो मीडियन का मैंने क्या बोला था कि कोई भी अगर साइड पे मीडियन अगर हम ड्रॉ कर दे तो साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइंट होना चाहिए,
तो जब हाइपोटेन्यूज पे अगर मीडियन हम ड्रॉ करेंगे तो उसका मिड पॉइंट, सपोज ये आपका मिड पॉइंट हो गया पी, राइट। तो सपोज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी और हाइपोटेन्यूज ए सी, तो हम जो ए सी उसका अपोजिट वर्टेक्स क्या होगा बी, मतलब पॉइंट बी पी को हम लोग किससे ज्वाइन करना पड़ेगा बी से। ये देखिए यहां से हमें इसे को ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट। तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बी पी इज द मीडियन, ये बी पी क्या हो जाएगा आपका मीडियन बन जाएगा, ये हो गया आपका मीडियन, राइट, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी। तो चलिए इसका इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या है वो देखते जरा। इफ क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, एन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी आपको 90 डिग्री होगा, राइट, या ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा भी होगा। सेगमेंट बी पी इज द मीडियन, आपको लिखा रहेगा इज द मीडियन, देन क्या लिखेंगे हम लोग, देन वी कैन राइट हियर इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी या थ्योरम इसे बोल सकते हैं हम लोग, राइट। सो बी पी ये जो लेंथ होगा मीडियन का वो बी पी विल बी हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा मतलब ए सी का हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रीजन लिखेंगे ये क्यों होता है, यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल मीडियन ड्रॉन ऑन हाइपोटेन्यूज इज हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल मीडियन drawn to hypotenuse is half of the hypotenuse, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको ये दिया ए सी इज 9 सेंटीमीटर एंड वी हैव टू फाइंड आउट बी पी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एग्जाम्पल देखिए बी पी विल बी हाफ ऑफ ए सी, ए सी इज गिवन 9, ये कट के हो जाएगा 4.5, सो बी पी विल बी 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा भी दिया रहेगा, सपोज आपको ये नहीं दिया हुआ, राइट, एंड दिस वन इज गिवन 3 सेंटीमीटर और बोलेगा फाइंड आउट ए पी, तो क्या करेंगे पहले ए सी निकालेंगे, राइट। सपोज अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ए वन, एग्जाम्पल सेकेंड, बी पी इज गिवन 3 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड आउट ए पी, तो क्या करेंगे हम लोग देखिए ए पी तो डायरेक्ट मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बी पी इज हाफ ऑफ ए सी, बी पी क्या होगा ए सी का हाफ हो जाएगा, बट बी पी इज गिवन 3, तो यहाँ 3 इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी, इसके साथ इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे ए सी हो जाएगा 3 इंटू 2 कितना आएगा यहाँ पे 6, ए सी हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। जैसे ही ए सी आपको मिल गया 6 और हमें पता है ए पी इज हाफ ऑफ ए सी बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट, so right here AP is half of AC, so AC we got 6, ये 2 3 6, तो ऐसे घुमा फिरा के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। फिर ऐसे कुछ एग्जांपल भी लेंगे, सपोज अब यहाँ पे मिला है तो कर लेता हूँ, अदरवाइज आपको टेक्स्ट बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए नहीं हुए, सपोज आपको ये 3 देगा ये 4 दिया हुआ है एंड दे विल टेल टू फाइंड आउट मीडियन लेंथ, तो क्या करेंगे, तो मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या होगा 3 का स्क्वायर ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व किया जाए इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, एग्जांपल नंबर 3, तो ए सी क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16 25, देयरफॉर ए सी कितना आ जाएगा 5। अब AC 5 मिला, so median हमें पता है, BP will be half of AC, तो यहाँ पे AC कितना है फिर half of AC, AC is 5, कट के कितना जाएगा 2.5, so you can say BP is 2.5, ऐसे भी, कभी कभी ऐसे भी दे देगा, आपको 2.5 दे देगा, median का length दे दिया आपको, और बोलेगा find out BC, क्या करेंगे, फंस गए, ठीक है। So, BP दिया हुआ है तो आप AC निकाल लेंगे, जब AC मिल जाएगा डबल हो जाएगा, AC डबल हो जाएगा 5, है ना, डबल होता है इसका, जैसे ये फॉर्मूला लगा के निकालेंगे तो भी आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखे 2 से इंटू करेंगे तो 5 आया, अब पाइथागोरस लगा कि ये BC मिल जाएगा, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको
मिल सकते हैं, दीज आर लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइप क्वेश्चन, ऐसा होगा। ठीक है, चलिए हमारा नोट्स कंप्लीट हो गया, अभी हम स्टार्ट करेंगे सम्स।